हमारे भैया के मालूम पाँच पाँच लाख के ऑपरेशन हैं, कैसे हो जाते अगर सरकार ना होती भाजपा की तो, ये करवा देते कांग्रेस वाले। तीन पे है कांग्रेस सरकार आएगी, हिंदू खतरे में आ जा, हिंदू खतरे में कभी नहीं आएगा, हिंदू खतरे में कभी नहीं आएगा, बीजेपी खतरे में आई। हम तो जोत में आज भाई फूल में देंगे, बस एक रुपये किलो गेहूँ घुआ हुआ है मोदी ने, तुम भाई के नहीं हो रहा सब जाने, और कौन के हो गए यार। 18 साल से नाच मिलने लगो, पहले ना मिलत तो, पहले ना मिलत तो ना, 70 साल से नाच मिल रहा है। इंदिरा गांधी जी ने योजना चालू करी थी, आज आज ये गाल लगे बीजेपी वाले कहने लगे, बीजेपी वाले कहने लगे कि नाच मिल रहा है, जो मिल रहा वो मिल रहा, पहले ना मिलते। आज आवास योजना देख लो, राजीव गांधी जी ने योजना चालू करी थी, 2011 के सर्वे में की कुटीरा मिल रही है, 2014 से भाजपा की शासन आ गई, कुटीरों के पुराने नाम चल रहा है, जो हमारे राजीव गांधी जी ने इंदिरा गांधी आवास योजना से कुटीर मिल रही है। बताओ पक्के मकानों में, चाचा कच्चू में, आजा कच्चू में, एक मान है एक बाप के, मान है एक बाप के। सोने एवं चांदी के आभूषणों की अनुपम श्रृंखला लक्ष्मी नारायण ज्वेलर, संपूर्ण हॉलमार्क ज्वेलरी। हमारा पता है मेडिकल कॉलेज के आगे, दिल्ली रोड, सागर। नमस्कार, मैं हूं तारिक हाशमी, आप हैं सागर टीवी न्यूज के साथ। इस वक्त हम हैं कुरवाई विधानसभा के महलुआ चौराहे पर। महलुआ चौराहे पर ये आज शुक्रवार के दिन यहाँ का बाजार का टाइम रहता है, और इस वक्त लगभग 7 बजे का टाइम है शाम के। अब ये बाज़ार आज का दिन भर का लोग दुकानदार समेटना शुरू कर चुके हैं। ख़ास बात ये मैं बताऊं, जिस जगह मैं खड़ा हुआ हूं ये सिरोंज की तरफ रास्ता जाता है कुरवाई से, और ये बिल्कुल रोड पर ये लोग दुकानें लगाते हैं। जब मैं यहाँ पे आया तो लोगों ने कहा कि साहब यहाँ पे सबसे ज़्यादा दिक्कत एक मार्केट की है, क्योंकि यहाँ पर कई एक्सीडेंट भी हो चुके हैं, और बिल्कुल बीच रास्ते पर ये बाज़ार लगता है। हमारे साथ ये भैया हैं, क्या नाम है आपका? पारस शर्मा। कहाँ के हैं आप? मैं कुरवाई से हूँ। कुरवाई से ये बीच रोड पर इस तरह ये लगता है बाज़ार, तो इसमें कोई दुर्घटनाएं भी हुई? हाँ बिल्कुल, दुर्घटना हुई कुछ समय पहले, यहाँ ब्रेकर्स भी लगाए गए हैं इसी कारण। हाँ इस ब्रेकर लगाए गए हैं यहाँ, क्या ये रोड को यहाँ बाजार को कहीं हटा कर दूसरी जगह लगाना चाहिए इनको। हाँ। ये सर सुविधा सोचना आप चाहिए। क्या करते हो यहाँ पे? मैं भी मीडिया से हूँ, वंदे भारत न्यूज से हूँ। अच्छा अच्छा, वंदे भारत से हैं। हाँ, तो यहाँ पे आप खबरें छापते हो? हाँ लगाता हूँ, लेकिन इतने कोई बढ़िया बात है की इस वीडियो की शुरुआत एक स्थानीय पत्रकार के साथ हुई, तो यहाँ पे खबरें छापते हो तो रिस्पॉन्स नहीं मिल पाता? रिस्पॉन्स यहाँ कोई वही है की ना, कोई यहाँ अभी रिस्पॉन्स देता, कहते हैं मान, लेकिन क्या कर देंगे, कोई इस पे ऑप्शन नहीं उठाया इस पे। अच्छा जी, अब आते हैं अपन सियासत पे। इस बार यहाँ से रानी अहिरवार कांग्रेस से और हरि सिंह सप्रे भाजपा से चुनावी मैदान में हैं, क्या लगता है आपको पत्रकार की नज़र से? मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार बराबर की टक्कर है यहाँ, मतलब दोनों पक्षों को बराबर से सहमति मिल रही है। हाँ। यहाँ जाने में, और मतलब लोग बाग भी शायद यही चाह रहे हैं कि अभी जैसे अब वो लाडली बहना योजना चली थी उस समय भाजपा सरकार का ज़्यादा वो था। हाँ, हाँ। लेकिन अब उन्होंने क्या किया है कि जो प्रचार हुआ कांग्रेस का अच्छे, और उनने सुना है कि हम 1500 या वो देंगे। हाँ। तो उस हिसाब से उनने मतलब कांग्रेस ये कह रही है कि बात हमने शुरू की थी पैसे देने की, ये सरकार में थे तो इन्होंने लपक लिया, कॉपी पेस्ट कर दिया हमारे मुद्दे। हाँ बिल्कुल, यही कारण है कि कॉपी पेस्ट कर दिया इन्हें, यह कांग्रेस का मुद्दा है, लेकिन इसको भाजपा वालों ने कॉपी किया। अब इससे प्रॉफिट लेकिन भाजपा ही वालों को हो रहा है, क्योंकि वो तो हो रहा, लेकिन लेकिन लग नहीं रहा जिस तरीके से वो हो रहा। जनता महिलाओं से, जब मैंने कई महिलाओं से बात की तो उत्साह नहीं है उनमें वो 1200 रुपये को लेके। वो जैसे ही 1250 हम कहते हैं तो वो कहती है सिलेंडर कितने का आ रहा है। हाँ, महंगा ही बहुत है। कुछ महिलाओं से मेरी बात हुई थी अपने करवा चौथ के एक दिन पहले, उन्होंने कहा कि कई बरस बीत गए, खुल के शॉपिंग नहीं कर पाए, इतनी महंगाई है। हाँ वो तो महंगाई, इसका बेरोजगारी, महंगाई, बच्चे लोग भी, स्टूडेंट लोग भी। हाँ। बहुत से मतलब हैं बहुत से लोग स्टूडेंट। हाँ। कि यही कह रहे हैं कि बेरोजगारी यहाँ बहुत बढ़ गई एमपी में। हाँ, हाँ। और इस महिलाएं भी जो है 1200 रुपये में क्या 950 1150 रुपये का तुम गैस सिलेंडर दे रहे हो उनको। हाँ। वही दे रहे हो। हाँ और क्या, उनका महिलाओं को गणित समझ में ही आ गया के दाल पे रेट बढ़े हैं और चीजों पे, अब प्याज चलने लगी है। महिलाओं को ये भी है कि घर से सोयाबीन लेके जाता है कोई किसान मार्केट में, तो 4000 के भाव ले लेते हैं ये लोग। वहाँ 5000 का कर दिया था पहले, अब 4000 का, 15 साल पहले 5000 था, अब 4000 का कर रहे हैं ये लोग। तो 1000 रुपये वैसे ही उसपे दे रहे हैं, वही लाडली बहना को उनके घर को दे रहे हैं। अब वो 1000 क्विंटल 500 क्विंटल ले जाते हैं, उनको क्या समझ के हमारा 5 लाख का पहले
जा चुका है। क्या नाम है आपका? सुरेन बाल्मी। सुरेन हेलो बाल्मी, क्या लग रहा है इस बार सुरवाई विधानसभा में? लग रहा है पंजा चलेगा। पंजा चलेगा? हाँ पंजा। पंजा क्यों चलेगा भाई? हाँ अरे बीजेपी का हाल देख तो रहा है, महंगाई के हिसाब से सब कुछ महंगाई कर रहे हैं। कुछ कह रहे थे जी और का, अब ऐसे गरीब आदमी की तनख्वाह नहीं बढ़ा रहे, जो काम कर रहे हैं इनकी तनख्वाह नहीं बढ़ा रही। तो क्या नाम है आपका? आशीष नाम देव। क्या लग रहा है इस बार? कुछ नहीं लग रहा हमें तो। अच्छा ये अभी आप कह रहे थे कि यहाँ पे ये बाजार जो है बिल्कुल बीच सड़क पे लगता है, जो सिरोन की तरफ जाती है, कोरवाई से आती है, क्या कुछ शिकायत थी आपकी बताएं? ट्रैफिक होता है, सब लोगों को दिक्कत होती है बाजार में। हाँ हाँ। और एक बार काफी टाइम पहले एक ट्रक भी चढ़ गया था। अच्छा, ब्रेकर भी नहीं थे, अभी ब्रेकर बने हुए हैं जी। तो आप क्या चाहते हो इसका? प्रशासन से यही निवेदन है ना कि बाजार की कहीं जगह दी जाए, बाजार की कहीं पर जगह दी जाए। अच्छा ये तो बहुत सारा आजू बाजू तो गिरा हुए हैं, कभी विधायक जी से नहीं कहा यहाँ पे हरी सिंह जी से? सब लोग आते हैं देख के चले जाते हैं। ये पुराने आदमी है साहब यहाँ के? हाँ। हम इनको ये इस चौराहे के, इस चौराहे के ये पुराने आदमी है। जब हम बीना में रिपोर्टिंग करने के लिए आए थे 2008 में, जब तो ये हमें जब जाते थे हम अपने घर से बीना की तरफ, तो ये हमें जब से नज़र आते हैं, बात पहली दफ़ा हो रही है। ठीक है ना? नाम क्या है आपका? कैलाशी रघुवंशी। रघुवंशी जी, क्या लग रहा है इस बार आपको? पूरे इलाके में बहुत सारे लोग आते हैं आपसे। बदलाव पक्का? पक्का। रघुवंशी सागर मतलब बीनीशा जिले के रघुवंशी ये कह रहे हैं कि बदलाव। बदलाव क्यों? इसलिए क्या है, कोई विधायक काम नहीं करती है, ना गांव में जाती है, ना गांव वालों की समस्या सुनती है। हाँ हाँ। हमारे गांव में खेती किसानी है। हाँ। किसानी करके ले जाती है, हमारे गांव बहुत खंडर है। हाँ। कोई व्यवस्था नहीं है ना, हमारे गांव को गोकुल गांव बनवा देती है, चौराहे को ये पंचायत को गोकुल गांव कर देती है, कभी कोई विकास के लिए तैयार नहीं है। तैयार नहीं, पैसे मांगती है सरपंचों से, 20-20%, 25-25% पैसे चाहिए। जो कांग्रेस कह रही है मुद्दा पर कमीशन खोरी है, भ्रष्टाचार खोरी है, भ्रष्टाचार है, बिल्कुल लगता है भ्रष्टाचार है एमपी। बिल्कुल एमपी में भ्रष्टाचार है, अधिकारी जब कुर्सी पे रिश्वत ले ले, कर्मचारी रिश्वत ले ले, फरका मतलब है वो। शासन जब बीजेपी आई, 30 साल से बीजेपी हम वोट कर रहे हैं, तो मुद्दा क्या था कि ना ही रिश्वत लेने देंगे ना ही लेंगे। हाँ। अब कर्मचारी रिश्वत ले लेता है, फिर मतलब काम क्या किया है आपने? आप कलेक्टर हैं जी, जाना है क्या? नहीं 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 रुके हैं। अच्छा ठीक है, बताएं। और को और कुछ नहीं है, साफ शुद्ध सरकार होना चाहिए, जो कहा है वो ही होगा, तो आगे बीजेपी से जुड़े ही हैं। तो भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए। आप नहीं, आप मुझे ये बताइए, अपन आप भी एक पत्रकार हैं, मैं भी एक पत्रकार हूँ, यहाँ पत्रकारों को दबाना बहुत दबाया जाता है, ये तरफ से कब मिलेगी, कहाँ जाएगी सरकार? इसलिए मैं बोल रहा हूँ सरकार को कि पत्रकारों को ना दबाएं। हाँ, इस आपके चैनल के माध्यम से पत्रकारों को ना दबाया जाए, बहुत दबाते हैं यहाँ लोग। सही कह रहे हैं, दबाते हैं पत्रकारों को, कौन दबाता है? यही नेता लोग, नेता दबाते हैं। अच्छा तो आप किसकी आने चाहिए सरकार इस बार? बदलाव होने चाहिए। कौन सी जगह के हुआ? हम यही पास में ही गांव है, 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर लग रहा जी, बदलाव होने चाहिए। बदलाव होना चाहिए जी। कौन सी, आप कौन से गांव के हो इस इलाके में? ये पास में गांव है, कुरवाई विधानसभा के जी। तो कुरवाई विधानसभा के सभी लोग इस बार क्या मूड में नहीं है भाजपा को लाए? नहीं, हम तो बीजेपी में ही वोट देते हर बार, लेकिन इस बार अब इस बार नहीं दे रहे। अच्छा जी, किसको दोगे? वो तो देंगे अब जी, कोई को भी नहीं तो बता तो दो कान में। अरे अब बहुत अपनी अपनी इतने सारे लोग, किसको देंगे? पंजाब में देंगे और गाय में देंगे, ये आपका वोट ये डालेंगे। अरे कौन की भावना समझ गए, पंजाब की कह दो और कहा इधर। अरे तुम यार क्या खा रहे इधर आओ, सेब खा रहा हो? अरे तुम, अच्छा तुम सबको समझा रहे हो, और बात का नाम क्या है तुम्हारा? अरे तुम बेच रहे रुको चल रहा है। हाँ मुन्ना लाल भैया, पूरा नाम बता। मुन्ना लाल। क्या लग रहा है इस बार? और ये चैनल कजाक बताओ, कजाक तो है, कजाक नहीं तो ऐसी टाइगर भी आए हो तो इधर माइक पे बोलो आप। हाँ भाई, एयरबड टाई करने आए हो तो वो अगल है, वो कजाक चैनल पे बताओ जो न्यूज है कि हमने क्या बोला है,
तो वो न्यूज आए हाँ। तो हमको मतलब वो अच्छा लगा कि हाँ हमने कुछ बोला है आपके लिए। सही है सही है। आपको आपको ये शक क्यों है कि हम नहीं दिखाएं? ये शक ऐसी ही है कि क्या है कि भाजपा के खरीदे हुए चैनल वाले होते हैं हाँ। वो आते हैं बात करते हैं और मतलब पेंडिंग में डाल देती हैं, पेंडिंग में डाल देते जी। ये आप मेरे और सारे वीडियो भी उठा के देखोगे ना तो बगैर किसी काट छांट के आप जो कह रहा हो ऐसा का ऐसे ही चलेगा। आप जैसे कई लोगों ने मुझसे यही शिकायत की, सागर से चला हूँ यहाँ तक आया हूँ, कई लोगों ने ये कहा कि पत्रकार बिके हुए हैं, मीडिया ने खरीद, भाजपा ने खरीद लिया, चलाओगे कि नहीं चलाओगे? मैंने कहा चलेगा। उनका फ़ोन आया कि भाई साहब धन्यवाद चला, तो आपका भी आएगा जब चीने चैनल पट्टी देखोगे हमारे सागर टीवी पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, वही होने तो चाहिए। लगा के कहना मैं देखा हाँ भैया चला, वही होने चाहिए, ठीक है ना, वही होना चाहिए। क्या इसको सिर्फ काट छाट वही करेंगे वहाँ पर जहाँ पर किसी ने कुछ लफ्ज गलत बोला होगा जो कि अमर्यादित और संसदीय नहीं होगा, बाकी जो का तो चलता है? और कुछ कहना है? पर यही कहना, हमको तो बदलाव चाहिए। अब दादा को बदलाव, दादा बताओ, रुको ना, तुम चले, आप चले जाओगे तो बाकी है सब तो भाजपा के भाजपा। अच्छा कब से हो भाजपा के दादा? पहले से, जब से जन्मे है। जन्मे हाँ, तो अटल बिहारी के जमाने से? अटल बिहारी के जमाने, अटल बिहारी बहुत जोरदार नेता था। भाई यंग नेता भाजपा वाले थे, यही नेता। अटल बिहारी खराब थे? नहीं सही थे वे भी। तो फिर क्यों ना, अटल बिहारी बहुत अच्छे थे, अच्छे 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 थे अटल बिहारी। और कौन अच्छा? सब अच्छे पार्टी वाले। अटल बिहारी वाजपेयी तो बहुत प्यार से बोलते थे, का ना बोले मोदी जिंदाबाद। चलो ला ला मोदी जिंदाबाद है, लगा जोर से नारा जिंदाबाद। शिवराज सिंह जिंदाबाद, भाजपा पार्टी जिंदाबाद और नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। भाजपा के कार्यकर्ता हो? जी कार्यकर्ता नहीं हूँ, मैं आम आदमी हूँ। नहीं कार्यकर्ता हो? कार्यकर्ता कभी किसी के नारे नहीं लगाता। मैं पार्टी का आदमी हूँ। हाँ पार्टी का आदमी हूँ, कोई आम आदमी हूँ ऐसे नहीं हूँ। पार्टी पसंद करता हूँ। हाँ पसंद करते हो जी, कार्यकर्ता हो, काम में पसंद। अरे आप, हमने कब कहा कि आप नहीं नहीं करे काम? भाई कार्यकर्ता जब नारा लगाता है ना तो दूर से लगाता है वो, तुमने लगाया हम समझ गए। काम ही उसके, काम ही उसके अच्छे हैं, रोम रोम में भरी है भाजपा। काम ही इतने अच्छे कर रही है ना वो, काम ही इतने अच्छे कर रहा है ना वो। सही कह रहा है, बिल्कुल सही बोल रहा है, बिल्कुल सही बोल रहा है। क्या बोल रहा है वो? जो कुछ भी बोल रहा है बिल्कुल सही बोल रहा है। अरे तो तुम तो बताओ क्या कह रहा है? हमें कुछ नहीं बोलना है, वोट नहीं डाला तुम? भाजपा पार्टी का काम कर रही है। कब आए वोट? अगले साल से। क्या नाम है आपका? कल्याण सिंह। कहाँ से हो सिंह साहब? बोथी करवाई विधानसभा की। जी जी लग रहा हूँ इस बार। आपकी बदलाव चाहिए और क्या? अच्छा क्यों चाहिए बदलाव? अरे होना चाहिए हर साल, मान लो हर पंचवर्षीय में। अरे लाल शर्ट पहने बकवास। अरे कोई नाराज हो जाएंगे? नहीं क्यों नाराज होंगे, वो अपनी अपनी पसंद सोच है, वो तो अपनी अपनी पसंद। बदलाव चाहिए और क्या है? अच्छा भैया बिल्कुल जम नहीं पा रहा। नहीं नहीं बदलाव चाहिए, बदलाव। नाम कुंजीलाल कुशवाहा है, मैं ग्राम सरादा में रहता हूँ। आज शुक्रवार का दिन है, बाजार करने आया था और आप पूछ रहे हो सरकार कौन सी आनी चाहिए, बदलाव होना चाहिए। मेरे गांव में 2 साल से लगातार बाढ़ पड़ रही है, आज तक ना तो कोई भी नेता नहीं आया, जैसे तैसे आया ना कोई मुआवजा नहीं मिला। और जो कुछ शिवराज सरकार या जो भी जो दे रही है, हमारे गांव के हैं सराव देखे रहने वाले, हम सराव देखे हैं और इधर रहते हैं, ये सामने मेरा मकान है। तो काल लोग भी दे रहा है ना, हम तो वक्त के साथ बदलेंगे। वक्त काय का है? वक्त अभी अभी राज सिंह ने ऐलान किया था मैं सरावा आऊंगा, लेकिन वो भी नहीं आया। वक्त है बदलाव का, हम वोट देंगे विकास के लिए। कुरवाई के विधायक जी जो हमारे तहसील के विधायक हैं वो भी आए थे, लेकिन उनने कुछ नहीं दिया आज तक। क्या नाम है आपका? प्रिंस। प्रिंस क्या करते हो? हम स्टूडेंट हैं। स्टूडेंट है? स्टूडेंट। क्या लग रहा हो इस बार? कक्का जू। अरे मतलब चाचा जू के पी सिंह कक्का जू के। अरे वो शिवपुरी में है भाई। अच्छा आपने यहाँ पूछ रहा है? यहाँ की शिवपुरी की बात यहाँ बता रहा। फेवरेट नेता है उनका? हाँ। अरे पंजा क्या कह रहा है? और सही कह रहा है काई की? ये कह रहा है कि अरे दादा सुनो, बनाती है सरकार कोई की बने, अपन तो देखो भाई फूल फूल के आएंगे, फूल में वोट देंगे भैया। नहीं ऐसा नहीं, फूल में वोट देंगे। एक घर बनाते हैं
तो अपन उसमें दो साल ले लेंगे, चार साल ले लेंगे, पाँच साल में अगर हमारी सरकार ना होती ना, दम घुटने लगता है, दम घुटने लगता है। हमारे भैया के मालूम पाँच पाँच लाख के ऑपरेशन में कैसे हो जाते अगर सरकार ना होती भाजपा की, तो ये करवा देते कांग्रेस वाले, तीन पे हैगी आई समझ में। जे भाजपा की सरकार, हम हिंदू हैं, हम भाजपा ही में वोट देंगे। देखो हिंदू गाली नहीं बकते। जी का कहना है कि वो कांग्रेस सरकार आएगी हिंदू खतरे में आ जा, हिंदू खतरे में कभी नहीं आएगा, हिंदू खतरे में कभी नहीं आएगा, बीजेपी खतरे में आई। नहीं भैया अपन तो भैया बीजेपी में ही वोट देंगे आई समझ में। हम काला भाई सब्जी वाले कहाँ से, कहाँ की है? गुरबाई की। गुरबाई की का लग रहा हूँ इस बार फूल में देंगे, बस फूल में ही है सब जने, फूल में जाएंगे हम तो मोदी। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। ये कब से हो भाजपा में? शुरू से ही है। क्या कह के गए हो अभी यहाँ पे? बताओ हाँ, क्या कह के गए थे तुम के हम खिलवा रहे हैं? हमने एक मिनट रुको, जबरदस्ती भाजपा भाजपा बीजेपी बीजेपी, भैया बीजेपी में ही दंगे वोट हम किस किस के दिल को, भैया इनके संगे को है जरा बताओ, देखे बताओ भैया बताओ इनके साथ बोला जरा, और बुलाओ इनके लोग, और बुला दो चाहिए। मोदी की कह रहे हैं सब जाने, दादा इतना नाराज हो रहा है, वो दूसरों को गुस्सा हम पे उतार रहा है। चला अब वे क्या कह के मालूम है अभी वे रघुवंशी जी कहेंगे खबर चले हो कि नहीं चले हो, सब कांग्रेस की कह रहा है। एक मिनट सुनो, तुम भी शक कर रहे और वे भी कर रहा है। एक मिनट बात सुनो ना, तुम्हारा क्या है नहीं हो रहा है और नमक हो रहा है, कौन नमक हराम हो रहा है सब जाने, कौन हो रहा है ये पूरी जनता बना रहा है नमक हराम, कौन जनता का और का एक रुपया किलो गेहूँ खुआवा है मोदी ने, तुम भाई के नहीं हो रहा सब जाने, और कौन के हो गए यार, पाँच पाँच लाख रुपया के ऑपरेशन करा रहा हूँ फ्री, तुम भाई के नहीं हो रहा है और कौन के हो गए? भाई साहब 18 साल से नाज मिल लगो, पहले ना मिलत तो, पहले ना मिलत तो ना, 70 साल से नाज मिल रहा है। इंदिरा गांधी जी ने योजना चालू करी थी, आज आज ये गाल लगे बीजेपी वाले कहने लगे, बीजेपी वाले कहने लगे कि नाज मिल रहा है, जो मिल रहा वो मिल रहा, पहले ना मिलते। आज आवास योजना देख लो, राजीव गांधी जी ने योजना चालू करी थी, 2011 के सर्वे में की कुटीरा मिल रही है, 2014 से भाजपा की शासन आ गई, कुटीरों के पुराने नाम चल रहा है, जो हमारे राजीव गांधी जी ने इंदिरा गांधी आवास योजना से कुटीरा मिल रही है। बताओ पक्के मकानों में बाप कचू में, चाचा कचू में, आज कचू में, एक मान एक बाप के मान एक बाप के। दादा एक सुनो सुनो, दादा आप पुराने आदमी, पुराने भाजपा सुनो, कम से कम एक जगह सुनो। अरे हमें तो है नहीं ऐसे कैसे, आज गाँव में हो जाओ, विधानसभा में हो जाओ, वो किससे कह रहा है, पार्टी वाले क्या कह रहा है, जो है सो है। आज अगर तुम गाय के बारे में बोलो तो सबसे पहले भाजपा वाले डंडा मारते गायों में, आज देख लो कितनी खड़ी है, मगर गौशाला बनवा ले गौशाला हम छोड़ेंगे नहीं है। गौशाला माननीय कमलनाथ जी की योजना सबसे अच्छा नियम निकाला, 1000 गौशाला बनवाई, 3 बीघा जमीन है, 45,000 रुपए का घाटा खा रहे हो, तगाली डाल रहा हूँ। बताओ ये गंजे मजे पे भगा देते आदमी, हाँ जरूर भगा दे हमारे गौशाला हम छोड़ने नहीं जाते, तुम बताओ गंजे भगा देते हैं, 3 बीघा जमीन है भाई साहब, तगाली डाल डाल गुजार कर रहा हूँ। दादा को नाम लेके संबोधित नहीं कर रहा है सरकारी, नाम लेके संबोधित नहीं कर रहा है सरकारी, कौन है कौन है क्या भाई, क्या लग रहा है इस बार? बढ़िया लाली बहना, 18 साल से ना दिखाई लाली बहना, हम ना तुम कैसे वोट दी, डरा बेमारी का बात है, हम तो दंगे से पंजा में दंगे कुछ हो सकता, कांटे की टक्कर है, कांटे की टक्कर है, कोई भी ले जा सकता, पंजा भी ले जा सकता है इस बार, हाँ निकल सकता भाई साहब, अभी मेरे ऊपर नारा कुछ मत कहो,
बे नाराज हो के ऐसे भगे बे आ रुक जाओ कलाम बोल वो सोचना थे कि हमारी आवाज़ को वो या तो सोचना थे वीडियो डिलीट करो है या ख़त्म करो। अब एक भाई साहब कह रहे हैं कांग्रेस ही देखें लगे, ये तो बताओ चलाओगे कि नहीं। मैं कहा भैया ये शक आपको क्यों है, तो आप बताओ क्या क्यों शक है जनता को हमारे ऊपर, हमें नहीं मालूम मीडिया को ऊपर शक का है किस बात का है। करो बात भाई साहब मीडिया पे हाँ। मीडिया पे अभी दो तीन लोग शक कर रहे थे, ये कहने लगे अच्छी बात थी उनकी कि ये तो बताओ कि चले के नहीं चले खबर, नहीं चलेगी खबर। उन्होंने उन्होंने नहीं कई जगह वो कह रहे थे कि कई करके लेगा लेकिन चली नहीं है, होता है नहीं चलती है भाई साहब। एक एक ये क्यों कहता है आदमी मीडिया से, अरे मीडिया से क्यों कहता है? अब उनको लगता है बहुत सी बार आए होंगे लोग सर्वे वाले आते हैं ओवर इंडिया की मीडिया को देख के कहता है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, खबर चलती है अगर खबर सूट हो रही है तो चलना चाहिए, चलना ही चाहिए। लोग ये नाराज होते हैं, मीडिया का नाम भी बदनाम हो गया कई जगह पे कि खबर दबती है चल नहीं पाती है, तो इसलिए हम कहते हैं कि सिवाय अगर किसी ने कोई गलत लफ्ज का इस्तेमाल करा है उतना तो हटाते हैं, बाकी विदाउट एडिटेड जाता है। क्या नाम है भाई साहब? कमलेश शर्मा। आया हूँ शर्मा जी, बीजेपी बात कर ले, वो तो लग रहा है बिल्कुल एकदम चुनाव प्रचार से भी आ रहा है, वे भी लग रहा है ये ना जी सही है। कहाँ गए थे प्रचार करने? कहीं नहीं गए सर, खेती का काम लगाया है, खेती का काम लगाया अभी कहीं नहीं गए, तो पलेवा करना है पलेवा चल रहा जी सर। इस बार कैसी रही सोयाबीन की? अच्छी रहा सर। कितनी है जमीन है? जमीन कितनी है? हम 60 बीघा है। 60 बीघा बढ़िया चल रहा जी सर। कौन जीत रहे हैं? मामा कोरवाई में हरी साहब आवाज नहीं दे। अरे आवाज नहीं आवाज हरी साहब चनारा लगा हाँ लगा दे रहा ना हरी साहब हरी साहब हरी साहब जीतेगा सर इधर से आवाज। भाई साहब पूछ तो लो हरी सप्रे ने क्या विकास करवा दिया? कुरवाई तहसील का मुख्य हमारा महलुआ चौराहा माना जाता है, आज अगर आप चार रोड पर लाइट लगवा देते कितना अच्छा रहता बताओ, अंधेरा है। नहीं नहीं तो आप आपके दादाजी से पूछ लेना। हाँ आपके दादाजी ने कितने तो साल भर पहले आ गया भाई साहब, दादाजी एक साल कितने पैसे गिनवाए उनने, कांग्रेस में थे अब बीजेपी में आ गए इनके दादाजी। मेरे भाई साहब अगर मगर मैं नहीं गया, मैं जो बात बता रहा हूँ वो सही है, मैं तो ठोक के कह रहा हूँ रानी को वोट दूंगा। सही बात है, क्या हो गया चौराहे पे कोई विकास ही नहीं है, सबसे ज्यादा दिक्कत है। अभी आप दोपहर के टाइम आते ना, आप दोपहर के टाइम आते कम से कम 100 जानवर बीच रोड पे बैठे थे, 100 से 150 गायें बीच रोड पे थी। हाँ आप ये मानते हैं हम गायों की जरूर समस्या है, गायों की समस्या है, गाय माता है ना वो समस्या है, हम उसकी मानते हैं। मुंगावली रोड से भगाया, बीच चौराहे पे आई, चौराहे से भगाया, सुरोन चली गई। क्या होगा दादा? अरे आज तो लुंगी, अरे ये वाली तोलिया बहुत दिन बाद दिखी है, तो आ जरा तन्ना बोलो, कांग्रेसी लग रहा पुराने। हम ना कांग्रेसी है ना बीजेपी वाले, ईमानदारी हम तो सबके है। झोली में अगर सोने की झोली है ना, हम ब्राह्मण है, हम सबके है, हम वोटर है, हम किसको देंगे ये हमारी मर्जी है। बात खत्म, क्या गंगा उठाए क्या करे, किसको गंगा उठाए कि हम वोट देंगे, हम वोटर है, हम किसको भी दे सकते हैं। बीजेपी अपनी सही है, बीजेपी सही है हाँ बहुत बढ़िया। नहीं गलत नहीं किया, विकास किया उसने, कांग्रेस फिर विकास नहीं किया। ठीक है चलो भाई, चलिए हम ये हम कोरवाई विधानसभा के यहाँ पे चौराहे पर थे जहाँ पे आज बाजार का दिन रहता है, काफी सारे लोग हमारे साथ थे, उनसे बात की, कोई दुकानदार थे और तमाम लोगों से बातचीत हुई है, और नौजवान भी थे, किसान भी थे, महिलाएं भी थी, भाजपाई भी थे, कांग्रेसी भी थे, सभी लोगों से बात हुई है, सबके अपने अपने दावे हैं। आने वाले वक्त में हम फिर से आपको दूसरे वीडियो में आपको बताएंगे कुरवाई विधानसभा के और हालात, किसको लोग चाहते हैं, भाजपा को या कांग्रेस को। चलिए अगले वीडियो की तरफ। सोने एवं चांदी के आभूषणों की अनुपम श्रृंखला लक्ष्मी नारायण ज्वेलर, संपूर्ण हॉलमार्क ज्वेलरी, एंटी कुंदन पोलकी इटालियन ज्वेलरी, IGI द्वारा प्रमाणित डायमंड ज्वेलरी एवं राशि रत्न। हमारा पता है मेडिकल कॉलेज के आगे, तिली रोड, सागर,